संगम के इस तट की अद्भुत तस्वीर है। हम आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं, ये तस्वीर आपको भी खुश कर देगी, आप में भी एक भक्ति भाव जागृत कर देगी। प्रयाग की ये तस्वीर चारों तरफ, संगम के चारों तरफ अगर आप देखें तो मेला दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है। हजारों लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं और अपनी छोटी छोटी दुकान लगाकर अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। हम आपको रात में मेले की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह रात में संगम के तट की तस्वीर है। इस तरह से छोटी छोटी दुकान लोग लगा रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न की दुकान है। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, कितने बजे से दुकान लगाते हो आप? 2 बजे से। कुछ मिल जाता आजकल? ज्यादा कमाई हो जाती है? नहीं, सही हो रहा है कमाई। बिक रहा है? हाँ, बिक रहा है। कितने की आमदनी हो जाती है? 1000-1200। देखिए, पॉपकॉर्न की समीर दुकान लगा रहे हैं। धर्म मजहब मायने नहीं रखता, मेला में ये दुकान लगा रहे हैं और ये पॉपकॉर्न बेच रहे हैं और तकरीबन इनका कहना है 800 से 1000 रुपए मिल जाते हैं। आप क्या चाय बेच रहे हो? जी हाँ सर। चाय कितने बजे से आके चाय बेचना शुरू कर देते? सुबह लगभग आ जाते हैं यही 6 बजे के टाइम उठ के। क्या नाम है आपका? जी राजकुमार। राजकुमार, कहाँ से आए हो आप? जी बिसलपुर से। जी बिसलपुर। बिसलपुर से आए? जी। और कितने की दिन में चाय बेच लेते हो? कभी सर 500 रुपए बिक जाते हैं, कभी 400 भी बिक जाते हैं। मेला हल्का चल रहा है, इसीलिए अभी नान जब आएगा तब पब्लिक बढ़ेगा यहाँ पे। बढ़ेगा। और बिना मेले के तो बहुत कम अभी ये नॉर्मल सिटी का मेला चल रहा है तो यही लगभग 400-500-600 रुपए। तो अब आमदनी बढ़ जाएगी? आगे बढ़ जाएगी, आगे गंगा माई ने चाहा तो जरूर गंगा मैया सुनेंगी। गंगा मैया के सहारे ही है तमाम लोग। और ये देखिए, तमाम लोग रेहड़ी छोटी छोटी लगाकर, छोटी छोटी दुकान लगाकर, देखिए अपने सिर पर ये ले जा रहे हैं चुरमुरा मुरमुरे की ये छोटी छोटी दुकान। इस तरह मेले की तस्वीर है, देखिए अपनी ये दुकान लगाकर रात में सुबह से आ जाते हैं, रात तक लगाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। तो एक मेले की ये भी तस्वीर है, हजारों लोगों को एक अवसर भी है। क्या नाम है आप? कहाँ से आए हो? बेटू। बेटू कहाँ से आए हो? गाजीपुर। गाजीपुर से आए हो यहाँ? हाँ। तो कितने दिन से यहाँ पर आके ये दुकान बेच रहे हो, लगा रहे हो? एक हफ्ता। एक सप्ताह से? हाँ। बिक्री हो रही है या नहीं? बिक्री हो रही है, अभी कम होता है, मेला में होगा। मेला में होगा? हाँ। लेकिन होनी शुरू हो गई? हाँ। आमदनी होनी शुरू हो गई? हाँ, हाँ। तो ये तस्वीर है, देखिए गरीब लोग हैं, छोटी छोटी दुकान लगाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं और एक आमदनी के लिए आए हैं कि मेले में, चूंकि देश भर से दुनिया भर से लोग आएंगे। हम आपको इस घाट की और भी तस्वीर बताते हैं कि किस तरह से दुकानें लगी हैं, लोगों के मेले में जो लोग आएंगे उनकी जरूरत के सामान से पूजा पाठ के लिहाज से लोग गंगा जल ले जाते हैं, उस लिहाज से ये पिक्की रखी गई है कि इसमें लोग। आप मुझे बताइए कितने बजे से दुकान लगा लेती हैं? यहाँ 6 बजे से दुकान लगता है जी, और कोई समय नहीं है 1 बजे तक दुकान रहे। अगर रहते हैं तो रह जाते हैं, नहीं रहते तो चले जाते हैं। चले जाते हैं, अपने मनमानी दुकान जी। बिक्री होने लगी है? बिक्री अभी कुछ नहीं होता है, जब से मेला शुरू भया है कुछ बिक्री नहीं भया है। अच्छा, उसके बाद हमको लोग भगा रहे यहाँ से, हम यही थी रहने वाली दादागंज के। तो मेला जब और भीड़ बढ़ेगी तो आपको लगता होगी बिक्री? हाँ, भगा देंगे यहाँ से। भगाते हैं? हाँ जी। व्यवस्थित और जगह कहीं व्यवस्था नहीं है तो ये चूंकि किनारे पर लगाए हुए हैं तो ये कह रही हैं कि दूसरी जगह ये व्यवस्था करेंगे। जी हमको लोग के कहीं और व्यवस्था दिया जाए जी। कहीं रोड पे इससे दूर व्यवस्था कर दिया जाए जी। हम लोग 12 मास लगाते हैं जी। तो ये भी एक मुश्किल है, देखिए छोटे छोटे इन्हें जो दिक्कत आ रही है, कह रही है कि प्रशासन कह रहा है, पुलिस कह रही है कि दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। तो जो लोग इस तरह से जमीन पर दुकान लगाए हैं ये उनकी दिक्कत है। देखिए तस्वीर हम आपको घाट की बता रहे हैं, किस तरह से संगम के घाट की किस तरह से तस्वीर है, किस तरह से लोग ये देखिए फुल्की लगा की दुकान लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम, कितने बजे से यहाँ पर फुल्की बेचना शुरू कर देते हो? सुबह 11 बजे से। आजकल ज्यादा फुल्की बिक रही है? नहीं, ठंडी की वजह से कम बिक रहा है। कम बिक रहा है, लोग अब मेले में आएंगे तो उम्मीद है कि ज्यादा बिकेगी। बिकेगा काहे नहीं बिकेगा, उड़ के बिकेगा। अभी कुछ तो थोड़ा बहुत ज्यादा आमदनी होने ही लगी। हाँ, हो रहा ना। सही हो रहा था, अभी 1500 हो रहा पड़ेगा। 1500 की कमा लेते हो? कमा लेते हैं। तो फिर क्यों कह रहे हो कि बिक्री नहीं हो रही? कहाँ बिक्री में बिक्री है क्या? 1500 उतना तो खर्च कर लेते हैं दो ढाई सौ। तो देखिए ये भी मस्त आदमी है और अपनी ये भी तस्वीर है। और हम आपको आगे की तस्वीर बताएं तो इस घाट पर बहुत सारे ऐसे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पूरे
जो जितना लंबा मेला क्षेत्र है, इस तरह से छोटी छोटी लोगों की खाने पीने की जरूरत के लिहाज से लोग दुकान लगाए हुए हैं, चाहे आइसक्रीम हो, कुल्फी की दुकान हो। देखिए ये कुल्फी की दुकान लगाए है। क्या नाम है आपका? मेरा बद्रीनाथ शाह है। बद्रीनाथ कहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं। बिहार से आकर यहाँ दुकान लगा रहे हो? जी सर। अच्छा, तो बिक्री होने लगी है, कुछ आमदनी हो रही है? हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं। हो रहा है, उम्मीद बढ़ रही है आपको कि कुंभ में जैसे जैसे लोग आएंगे तो बिक्री होगी? हाँ, होगी बिक्री, जैसे उम्मीद है कि बिक्री ज्यादा होंगे। बिल्कुल, लोग इसी उम्मीद से आते हैं कि चलिए कुंभ का मेला है, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, लोग ज्यादा आएंगे, उनकी बिक्री होगी। लिहाजा आप देखिए बिहार से आए हैं और यहाँ से ये कुल्फी की ठेली लेकर कुल्फी बेच रहे हैं। ये तस्वीर है ये संगम घाट की, और देखिए चारों तरफ जैसा हमने बताया छोटे छोटे लोग दुकान लगाकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। फूलों की दुकान है, मुरमुरे की दुकान है, तमाम लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है संगम घाट की। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, प्रयाग, उत्तर प्रदेश।